दुनिया झूठी लोग लुटेरे चल दिल मेरे छोड़ के तेरे ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे चल दिल मेरे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टीवी लंदन पार्ट एडी में खुशामदीद। पाकिस्तानी सियासतदानों के सिलसिले का आज तीसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश है और हम आगाज करते हैं एक शेर से। लुच लफंग इलेक्ट हुआ है अन्नेवा, लुच लफंग इलेक्ट हुआ है अन्नेवा, बीबा फिर रिजेक्ट हुआ है अन्नेवा, और सुई में धागा डालने वाली नौकरी पे अन्ना एक सिलेक्ट हुआ है अन्नेवा। छोड़ ये तेरे ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे चल दिल मेरे। आज हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की सबसे सच्चे बाउसूल और बाजमी सियासतदान का, यानी मौलाना फजल रहमान का। मौलाना साहब की जिंदगी बजाते खुद इस बात का जीता जागता सबूत है कि क्यामत वाकई नजदीक है। हमसे ना होगी ऐसी नादानी, अपनी कहानी रो रो सुनानी। हमसे ना होगी ऐसी नादानी चल दिल मेरे। मौलाना ने अपनी सियासत का आगाज हलाको खान की काबीना में वजीर पेट्रोलियम की हैसियत से किया। इस मैदान के पुराने खिलाड़ी हैं, इतने पुराने हैं कि पहली जंग अजीम में जर्मनी के फौजी टैंकों के लिए डीजल भी यही सप्लाई किया करते थे। इतने तजर्बाकार सियासतदान हैं कि सांप भी इनसे जहर इजी लोड करवाने आते हैं। कितने फखर से चेहरे सजाए, झूठी अदाए खोटी अनाए, कितने फखर से चेहरे सजाए चल दिल मेरे। मौलाना फजल रहमान बचपन ही से इस कदर तेज है कि स्कूल में उनकी जो तारीखी पैदाइश दर्ज है उससे भी 2 साल पहले पैदा हो चुके थे। वो इतने चालाक हैं कि उन्होंने कभी मछली कांटे से नहीं पकड़ी, हमेशा बातों में लगाकर पकड़ लेते हैं। उनके हजारों मुरीद हैं जो उनकी तजवीज को भी तावीज समझते हैं। लोग कहते हैं कि मौलाना पर्दे के हक में हैं, हालांकि उन्हें हजारों लोगों की मौजूदगी में मुखालिफीन को नंगा करते हमने खुद देखा है। दूसरों की बात यूं सुनते हैं जैसे बादशाह किसी की फरियाद सुनते हैं। मौसूस ने अपने घर में गुसलखाना के बाहर कतरीना कैफ की तस्वीर लगा रखी है। किसी ने पूछा कि आपने गुसलखाना के बाहर ये तस्वीर क्यों लगाई है, कहने लगे अंदर गीली हो जाती है। कभी किसी गलती को दोहराते नहीं, हमेशा नई गलती करते हैं। मौलाना को फलू में आम बहुत पसंद है,
इतनी नफासत से आम खाते हैं कि मुंह से बिल्कुल पता नहीं चलता कि आम खा रहे हैं, कपड़ों से पता चलता है। उन्हें खाने का इतना शौक है कि किसी की कोई बात पसंद आए तो कहते हैं बड़ी लजीज बात की है आपने। खाना पकाने के लिए घी या ऑयल की जगह डीजल इस्तेमाल करते हैं, बेतहाशा खाते हैं और इस वजह से इतने मोटे हैं कि उनकी शलवार में नाड़ा डालने के लिए रिक्शा कराना पड़ता है। उनकी सियासत पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सियासत कम अज कम आम इंसानों की समझ से तो बिल्कुल बाहर है। पूरे मुशर्रफ दौर में हमें तो ये तक समझ नहीं आई कि मुशर्रफ साहब को शॉर्टकट ज्यादा अजीज है या फजलुर रहमान साहब ज्यादा अजीज है। मौलाना साहब का पसंदीदा खेल पिट्ठू गोल गरम, पसंदीदा शख्सियत अंसार अब्बासी और पसंदीदा ड्राई फ्रूट नसवार है। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान टीवी लंदन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। खोटी अंदाए कितने फखर से।